तो हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? तो यार ये वही स्पेशल वीडियो है जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे थे और मुझे बार बार कमेंट कर रहे हो कि भाई 50K वाली स्पेशल वीडियो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो यार आखिर आ ही गई वो 50K वाली स्पेशल वीडियो, तो लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले यार मैं सबसे ईजी क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि यार मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है और मैं कौन सी क्लास में हूँ। तो यार मेरा नाम हर्षित तिवारी है, मेरी एज है 18 और मैं 12th क्लास में हूँ। तो अब चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Q&A से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भाई अपनी बचपन की पिक दिखा। तो यार ये देखो, ये रही मेरी बचपन की कुछ पिक्स। और यार बगल में कौन है, कौन सा वो छोटा बच्चा, वो तो आप जानते ही होगे। दरअसल यार वो मेरा जुड़वा है और आप लोग को तो यार पता ही होगा, आप लोगों ने जानते यार तुम लोग कौन है वो। तो आई होप कि सब लोग अब समझ गए होगे। तो यार देख लो कुछ पिक्स और मैंने सारी फोटोज लगा दी हैं जो भी मेरे पास अवेलेबल थी। तो यार बताओ और गेस करो कि मैं कौन सा वाला हूँ, जरूर से यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इनने पूछा है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? तो यार मुझे खाने में बहुत चीज़ें पसंद है, छोले भटूरे हो गए, शाही पनीर हो गई। तो यार जब भी आप आओगे कभी डेली, तो यार मुझे कॉल जरूर करना, और मतलब और खाना तो आपको ही ऑर्डर करना होगा। और विच यूट्यूबर यू लाइक? तो यार मैं सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, आशीष चचलानी, बीबी की वाइंस और कैरिमिनाटी, तो यार मुझे सारे ही पसंद है। और विच एनिमी सीरीज यू हेट? मतलब यार मुझे इरीज, आप लोग ने शायद देखी हुई या फिर नहीं, तो मुझे इरीज एनिमी सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेट है उससे, क्योंकि यार देखो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा औसम थी, लेकिन लास्ट वाला जो एक एपिसोड था, एंडिंग थी जो उसकी, वो देख के यार दिमाग ही पूरा ख़राब हो गया मेरा। और लड्डू पसंद है? हाँ यार लड्डू काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और चैलेंज डू यू प्रैंक एनिमी स्पिरिट? तो यार एनिमी स्पिरिट को क्या ही प्रैंक करूँ, ये मेरे घर में ही रहता है, मेरे बगल में ही बैठा है, तो यार क्या ही उसको मैं प्रैंक करके सीख मतलब करूँगा। तो यार बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि भाई तुम्हें शिनचैन पसंद है या फिर डोरेमोन? तो यार देखो मुझे ये दोनों ही बहुत ज़्यादा औसम लगती है, लेकिन यार देखो मैंने शिनचैन भी बहुत ज़्यादा देखा है, डोरेमोन भी बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन यार डोरेमोन सच में यार उसमें जो फ्रेंड्स का ग्रुप है ना पाँचों, एक तो मतलब बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ हम एक तरीके से ना डोरेमोन जो है वो दिल में बसता है। अरे बस शिनचैन, तो यार शिनचैन भी बहुत अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या तुम्हारे मम्मी पापा को पता है कि तुम यूट्यूब पर हो? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो हाँ भाई उनको पता है मैं यूट्यूब पर हूँ, लेकिन अभी रही बात सपोर्ट की, क्योंकि वो कितना सपोर्ट करते हैं, तो 60-40 आप लोग समझ सकते हो, उतना आता है सपोर्ट उनकी तरफ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्मैशर बीस ने कि भाई आपने कभी मार खाया है लड़कियों से? तो यार देखो मैंने मार की बात तो यार मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो 2 साल से लॉकडाउन है, लेकिन हाँ पहले कभी खाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनिमे क्रोजो की तरफ से, मेरे क्वेश्चन ये है कि डोरेमोन की लास्ट एपिसोड आपको कहाँ से मिलते हैं, लेटेस्ट एपिसोड आपको कहाँ से मिलते हैं? और रही बात की लेटेस्ट जो एपिसोड्स हैं वो आपको गूगल पे अगर आप सर्च करोगे डोरेमोन लेटेस्ट एपिसोड या फिर बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। और अभी यार मेरे एक फ्रेंड है जो यार लेटेस्ट एपिसोड की वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, तो यार अगर जैसे ही उसकी क्रिएट होती है तो मैं आप लोग को तक जरूरी शेयर करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गेमर भाई ने कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं भाई मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, दरअसल उसमें जल जीरे का पानी है जो मैं गोलगप्पे में डाल के खाता हूँ। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फंकी गेमर्स की तरफ से, भाई आपने यूट्यूब चैनल क्या सोच के खोला और एनिमी से रिलेटेड ही क्यों? तो यार देखो यूट्यूब चैनल तो यार मैंने बहुत चीज़ देख के खोला कि यार देखो एक तो डोरेमोन में बहुत इंटरेस्ट था मेरा, कि यार उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो पूछा है अश्विन ने, अगर आपको चांस मिले एक कार्टून या एनिमे में जाने का तो कौन सा होगा? तो यार मैं डोरेमोन एनिमे में ही जाऊँगा। और अगर आपको डोरेमोन का कोई गैजेट यूज़ करने का मौका मिले तो कौन सा? तो यार देखो वो होगी टाइम मशीन, क्योंकि यार टाइम मशीन में मैं पास्ट में जाके मैं कुछ भी चीज़ चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी जान सकता हूँ, तो यार ये पास्ट वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और यार इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे चुका है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यू एवर हैव अ गर्लफ्रेंड? तो यार नहीं यार अभी तो कुछ भी नहीं है। तो यार बस इतने ही क्वेश्चन थे यही मेरी लाइन भी है, तो यार बस इतने ही क्वेश्चन थे। और यार मैक्सिमम क्वेश्चन यार सेम टू सेम थे, जैसे कि यार आप कौन से एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो, किससे एडिटिंग करते हो, पीसी लैपटॉप? तो यार देखो मैं लैपटॉप पे जाता हूँ, उसको यूज़ करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये यार मेरा फ़ोन, इसको मैंने उठाया और ये रखा इन मास्टर, मैंने खोला और मैं एडिटिंग करता हूँ। इसमें बहुत टाइम लगता है, टॉपिक एडिटिंग इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और उसके बाद भी अगर वीडियो डाउन जाती है या फिर मतलब व्यूज़ मेरे बहुत घटिया आते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो यार उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आता है कि यार मुझे मारने का मन करता है और मैं सारा गुस्सा इस टैडी में उतार देता हूँ। तो यार बस ऐसा ही है।
तो यार ऐसा सीरियस मत समझना, ये फनी वे में मैंने क्रिएट करा है। तो यार देखो अब यार जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने क्वेश्चन पिक नहीं करा या फिर भाई तूने मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, तो यार देखो यार आप लोग के जो क्वेश्चन थे वो लगभग सेम ही थे, और बहुत लोग के ऐसे क्वेश्चन थे कि उनके आंसर काफ़ी लंबे हो जाते, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यार मैंने सोचा कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट या फिर कुछ ही क्वेश्चन लिए जाते हैं और बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर देते हैं, जिससे आपका भी यार 26 जनवरी ना मतलब वेस्ट जाए और आप लोग भी सेलिब्रेट करो उस चीज़ को। तो यार मैंने सोचा कि यार कम ही रखेंगे लेकिन काफ़ी अच्छा रखेंगे। तो आई होप कि आज का क्यों नहीं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बताना कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था, ज़रूर से यार उसको मेंशन करके कमेंट करना, और आप लोग को कैसा लगा, बस यही है यार और ज़्यादा नहीं। और रही बात की बहुत स्पेशल वीडियो की, तो आपको पता है कि वो कब आएगी 100K यार, लेकिन अब पता नहीं कौन से जन्म में 100K होंगे, तो यार मैं तो क्या ही बताऊँ आप लोगों से। लेकिन यार मेरी कोशिश यही रही कि आप लोग को अच्छे फैक्ट और न्यू फैक्ट जो यार किसी ने ना बताया हो वो आपको बताने की। तो आशा होगी कि आपको आज की वीडियो काफ़ी ऑसम लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायो नारा।